जिक्र बिना तेरे होंगी ना बातें मेरी, चांद बिना तेरे पूरी ना रातें मेरी, भीनी भीनी सी तेरी। जिक्र बिना तेरे होंगी ना बातें मेरी, चांद बिना तेरे पूरी ना रातें मेरी, भीनी भीनी सी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये इस टाइम दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा चलें यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करेंगे। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो इस टाइम हम कोरमा बना रहे हैं। अच्छा जी, ये कोरमे मसाला डाल दिए और उसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे धनिया। और ये क्या बना रही हैं जी? मैं चटनी बना रही हूँ। चटनी का सामान तैयार हो गया आज जी, देखते हैं जी चटनी मज़े की बनती है या कोरमा। कोरमा ही बनेगा, जाहिर है खुद आपने जजमेंट करनी। अच्छा अच्छा, चलो मेहमान से पूछेंगे ना। सही, ठीक। अच्छा तो आज फिर माशाल्लाह से हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो इसमें वहाँ लोगों की फुप्पो आ रही हैं, तो अभी कोरमा बनाया मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नहीं बनाया, कामरान ने बनाया। कामरान की सारी हेल्प मैंने की है लेकिन बनाया कामरान ने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सालन रेडी हुआ है, ये देखिए जी कितनी प्यारी लुक आ रही है, बहुत मज़े का सालन लग रहा है। अभी इसको गार्निश करेंगे गर्म करने के बाद, और थोड़ा बहुत कमरा जो है वो नीट करूँगी, बिस्तर वगैरह पहले उठा लिए थे। तो आपको दिखाएंगे जो आपके साथ ये सारी वो शेयर करेंगे। ये देखिए जी मज़ेदार सा कोरमे का सालन रेडी हो गया, और ये गरम करूँगी फिर उसके बाद गार्निश उस टाइम कर दूँगी। तो अभी कुछ टाइम है उनके आने में, साथ चटनी सलाद वगैरह। मैं और कामरान अब रह गए थे खाने के लिए, खाना खा रहे हैं अभी हम लोग हैं जी। और बहुत मज़े का सालन बना है कोरमा। अच्छा कामरान ने ये बात कही थी कि खा के बताएंगे कोरमा ज़्यादा मज़े का है या चटनी, तो पहले कामरान से पूछते हैं। अच्छा जी बताएं, कोरमा मज़े का बनना है और चटनी बेकार बनी? मुझे पता था इधर से ही जवाब आ यही बात है ना, और जितनी मजे की चटनी है ना उसकी वजह से सालन खाने खाने हो रहा है। खा किसके साथ जो कोरमे के साथ ना? चटनी के साथ, चटनी पहले खत्म हुई है। तो कोरमे के साथ खा रहे तो कोरमा मजे का था ना जी, नहीं तो तुम अपनी चटनी के साथ। अब मेरे बच्चे चले गए सारा बने, वरना वो बताते हैं क्या ज्यादा मजे का। नहीं तो तुम अपनी चटनी से, मैं अपने कोरमे से खा लेता। असल में बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे चटनी के बगैर कोरमा काम का नहीं लग रहा और इसी तरह दोनों चीजें लाजम है जी, बस ये कहना चाहिए। अच्छा तो हम आ गए जी फिल्टर प्लांट पे, और यहाँ हम भरते हैं पानी को, तो पानी काफी तेज आ रहा है जी। और जी पानी हमने भर लिए, चले फिल्टर प्लांट से चलते हैं हम घर को। देखिए जी रुमैसा तो सुबह से ऐसे ही फारिग फिर रही है इधर से उधर। अब हम ये कपड़े संभालेंगे, ये देखें मैंने कल कितने कपड़े वॉश किए और सारे ऐसे ही रख दिए थे। कल गेस्ट आ गए थे उनके साथ बिजी थी रूटीन। अच्छा तो वीवर सारे घर का काम कंप्लीट किया मैंने और माहा ने, है ना माहा जी? आज माहा ने मेरे साथ फुल हेल्प करवाई है, तो अभी कपड़े माहा डाल के आई है, मैंने सब धो लिए थे ये डाल के आई है। बाकी जो मैंने रूम मैंने और माहा ने समेटा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी रूम कितना अच्छा क्लीन किया है आज, तकरीबन इस कमरे की जितनी क्लीनिंग थी ना वो मेरी माहा ने की है। ये देखे बाबा का बेड भी साफ कर दिया, सारा फर्श वगैरह धो लिया, अब ऑलमोस्ट क्लीन है। इस टाइम इतनी मुझे सर्दी लग रही थी, ये देखिए मैंने चूल्हा जलाया
और मैंने अंदर चूल्हा रख के तो यहीं पर बैठी, मैंने कहा ठंड इतनी ज़्यादा आज हुई है और चलें यहीं पर मैंने कहा अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी। अल्लाह हाफ़िज़।